हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडिया यूथ पे। आज मैं कुछ खबर लेकर आया हूँ कल के दुर्घटना से जुड़ी हुई, तो वो खबर क्या है इसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। रेलवे अधिकारी से लेकर नेताओं तक सुबह से ही अस्पताल से लेकर घटनास्थल तक हर कोई अपनी अपनी खानापूर्ति करने में जुटा है। इसी बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, ट्रैक पर मौत बनकर ट्रेन को दौड़ाने वाले ड्राइवर ने हादसे को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। हालांकि अब ड्राइवर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल अमृतसर में जिस वक्त रेल हादसा हुआ उस समय जोरा फाटक के पास रेल खड़ी थी और लोग दशहरे का आनंद ले रहे थे। उस वक्त लगभग अंधेरा छा चुका था। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही रावण जलना शुरू हुआ आसपास धुआं छा गया, जमकर आतिशबाजियां भी हुई। इस दौरान ट्रेन काल बनकर यहां से गुजरी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ड्राइवर को ट्रैक पर खड़े लोग दिखाई नहीं दिए? इसके जवाब में जो ड्राइवर ने कहा ये जानकर आप भी चौंक जाएंगे। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक रेल ड्राइवर की माने तो रावण जलने की वजह से ट्रैक के आसपास काफी धुआं था। देर शाम की वजह से अंधेरा भी हो गया था। घटनास्थल पर रोशनी की भी व्यवस्था कम थी। धुएं और कम रोशनी की वजह से ड्राइवर को कुछ भी नहीं दिखाई दिया और एक बड़ा रेल हादसा हो गया। जब ट्रेन घटनास्थल से गुजर रही थी तो उस वक्त 90 किलोमीटर बराबर की स्पीड थी, लेकिन जैसे ही ड्राइवर को ये लगा कि ट्रैक पर कुछ हलचल है, क्योंकि आप लोगों को ये बता दूं कि ना ही ड्राइवर को इन्फॉर्म किया गया था कि स्पीड कम रखनी है और ना ही इजाज़त ली गई थी, और अधिकारियों के मुताबिक इजाज़त लेने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि ट्रैक और मैदान के बीच 5 फुट की दीवार थी। और आप लोगों को यह भी बता दूं कि क्या ड्राइवर ने रेल की स्पीड कम करने की कोशिश की या नहीं, इसका पता कैसे चलेगा? इसके लिए इंजन में एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जो ट्रेन की स्पीड को रिकॉर्ड करता है और बताता है कि किस जगह पे ट्रेन की स्पीड कितनी थी। इस स्पीडोमीटर का खुलासा किया है रेलवे बोर्ड के अधिकारी और फिरोजपुर के DRM ने। तो ड्राइवर ने जब देखा कि ट्रैक पर हलचल है तो स्पीड कम करने की कोशिश की। पूरी तरह से ट्रेन को रोकने के लिए 625 मीटर चाहिए होते हैं। ये ट्रेन के साथ दिक्कत होती है, अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाएगा तो ट्रेन के पलटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में ड्राइवर जितनी स्पीड कम कर सकता था उसने की। 90 से घटाकर 68 किलोमीटर पर आवर पर आ गई, ये स्पीडोमीटर दिखा रहा है। और जब ट्रेन की स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर हो गई तो गार्ड ने देखा कि लोगों की भीड़ ट्रेन की तरफ बढ़ रही है और लोग ट्रेन को जला सकते हैं। तो गार्ड ने ड्राइवर को सूचित किया कि ट्रेन को रोकना नहीं है, नहीं तो लोग हमला कर सकते हैं। अब आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस बारे में नवजीत सिंह सिद्धू का क्या कहना है। इट इज एन एक्सीडेंट, ये समझना जरूरी है कि ये एक एक्सीडेंट था। मैंने जितनों से भी बात की है उन्होंने कहा कि हम कुछ रेल की पटड़ी पे थे और कुछ जो पत्थर हैं रेल की पटड़ी के साथ वहाँ बैठे थे और कुछ उसके आगे थे। उन्होंने कहा कि जब आग लगी है, रावण दहन हुआ है, तो वो 2 कदम पीछे हुए हैं और बाएं देखा है तो ट्रेन इतनी तेज़ी से आई है और काफ़ी तेज़ थी और कोई हॉर्न भी नहीं था, पटाखे थे, पता ही नहीं लगा कि जो कुछ हुआ वो 1-2 सेकंड में ही हुआ। किसी ने ये सोच समझ के नहीं किया, पहले तो ये समझ लीजिए, किसी ने ये जान बूझ के भी नहीं किया। सब्सक्राइब कीजिए इंडियाज यूथ नेवर गिव अप चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।